नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे समय बाद मैं आपके सामने फिर से आया हूं और ये वीडियो है सियाटिका पर। सियाटिका का पेन क्यों होता है, सियाटिका किस तरह की बीमारी है और सियाटिका बीमारी है या केवल लक्षण मात्र है या कुछ बीमारियों का संग्रह है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपने हमारे सियाटिका पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या सियाटिका वाकई में कोई बीमारी है या नहीं है, या आपको जो कमर में दर्द होता है वो सियाटिका है भी या नहीं है, या कमर में होने वाला हर दर्द सियाटिका होता भी है या नहीं होता, इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि सियाटिका होता क्या है और सियाटिका एक्चुअल में कोई बीमारी है भी या नहीं। जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरू में बोला कि क्या सियाटिका कोई एक बीमारी है या एक लक्षण है, या ये बीमारियों का ग्रुप है, या ऐसी कोई बीमारी होती भी है या नहीं होती। तो पहले तो ये जान लीजिए, सियाटिका बीमारी नहीं है। सियाटिका बहुत सी दूसरी बीमारी या किसी एक बीमारी की वजह से आपके स्पाइन में होने वाला एक नर्व कंप्रेशन है। नसें दबती हैं, यदि आपकी सियाटिक नर्व दब रही है तो सियाटिक नर्व के दबने की वजह से आपके पैरों में, आपके कमर में दर्द आ सकता है या दर्द आता है। आपके कमर से होता हुआ दर्द पीछे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ कूल्हे से नीचे जाएगा, थाइस से नीचे जा सकता है, थाइस के पीछे आ सकता है, जांघों के पीछे, आपके घुटनों में जा सकता है, आपकी जो पिंडलियां हैं वहां तक जा सकता है या पैरों के तलवे तक जा सकता है। तो सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से यानी सियाटिक नस के दबने की वजह से यदि जो भी दर्द होता है उसे कहा जाता है सियाटिका पेन या साइटिका पेन, जिसको हम सीधी भाषा में साइटिका बोलते हैं। सियाटिक नर्व दबी और उसकी वजह से झुनझुनी हो सकती है, जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है या सुन्नपन महसूस हो सकता है। अब ये क्यों होता है, कारण बहुत बहुत सिंपल कारण भी हैं और बहुत क्रिटिकल कारण भी हैं, समझते हैं। ये होता है लो बैक पेन, मतलब सामान्यतः जो कमर दर्द नॉर्मली होता है या विकसित देशों में भी है, विकासशील देशों में भी है और जहां पे हालात बहुत कमजोर हैं उन जगहों पे भी, उन देशों में भी होता है, लोगों में कमर में दर्द की शिकायत आम बात है। लेकिन कमर में दर्द की ये जो आम बात वाली जो शिकायत है, आम शिकायत, इसमें यदि आप डायग्नोसिस करवाते हैं तो आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं। पहला फीचर, जब आप या तो सीटी स्कैन करवाया आपने स्पाइन का या आपने एमआरआई करवाया, जिसके लिए मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है सियाटिका पे और मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप एमआरआई कराते हैं तो आपको सबसे स्ट्रांग फीचर जो मिलता है वो मिलता है डिस्क हर्निएशन या डिस्क दब जाना। अब ये डिस्क हर्निएशन या डिस्क दब जाना क्या है, जिसको हम बोलते हैं लंबर डिस्क हर्निएशन, या इससे जो मेडिकल टर्म है यहां मैं बता रहा हूं, लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डाइलोसिस, लंबोसैक्रल स्पॉन्डाइलोसिस के अंतर्गत आप इसको मेडिसिन की बुक में पढ़ते हैं। लंबोसैक्रल स्पॉन्डाइलोसिस में आपका जो लंबर डिस्क है वो लंबर मतलब ये कमर का रीजन L1, L2, L3, L4, L5 जो ओरिजिनल जो मेन जगह है कमर की, जिसको हम कमर बोलते हैं, वो है L1 हड्डी, L2 हड्डी, L3 हड्डी, L4 हड्डी, L5 हड्डी, उनके बीच में एक रबड़ जैसी जगह है, कुशन जैसी, जैसे हमारे कान की हड्डी है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, वैसे ही इस कार्टिलेज का बना हुआ एक हिस्सा जो सॉफ्ट पैड होता है, जो शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, ये दबता है, हर्निएट होता है और हर्निएट होकर वजह से पाउच जैसे बाहर की तरफ निकलता है। अब उस एरिया से जाने वाली जो नर्व होती है यदि वो कंप्रेस हो जाए तो आपको पेन चालू हो जाता है, डेट इज कॉल्ड पेन ड्यू टू डिस्क हर्निएशन या लंबर डिस्क हर्निएशन, जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, यानी कमर का नसों का दर्द।
अब यदि सियाटिक नर्व दब रही है या सियाटिक नर्व की कोई भी ब्रांच दब रही है, किसी भी ब्रांच के कंप्रेशन के जैसे पेन आया, तो वी कॉल इट सियाटिका। उसका जो मेडिकल टर्म है उसे बोलते हैं सियाटिक न्यूराइटिस या सियाटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नसों का दर्द, और सियाटिक न्यूराइटिस मतलब सियाटिक नर्व में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से या दबने की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है और पेन होता है, दैट इज कॉल्ड सियाटिक न्यूराइटिस। सियाटिक न्यूराइटिस की वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपके कूल्हे में दर्द हो सकता है, आपके थाइस में जिसको हम महसूस करते हैं पिंडलियों तक, और तलवे तक दर्द हो सकता है। अलग अलग नर्व रूट कंप्रेशन होते हैं L3, L4, L4, L5 और L5S1। L3, L4 जब भी कंप्रेस होता है तो L4 का रूट कंप्रेशन होता है, L4, L5 जब कंप्रेस होता है तो उसमें L5 का रूट कंप्रेशन होता है, और L5, L6, S1 कंप्रेस होता है तो उसमें S1 का रूट कंप्रेस होता है। जब भी L4 का रूट कंप्रेस हो सकता है तो हम जब रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं क्लिनिक में, रिफ्लेक्स चेक करना मतलब पेशेंट को लेटा दिया सुपाइन पोजिशन में लेटा के, और एक आपको इस तरह का हैमर मिलता है मेडिकली, आपने देखा होगा जब भी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये हैमर होता है, इससे हम जर्क चेक करते हैं और इसको लगा के, और ये देखा होगा इस तरह से उसको पीछे खोलते हैं ऐसे लगाते हैं ताकि वो उसका रिफ्लेक्स पता चलता है। तो रिफ्लेक्स देखते हैं और वो नी में देखा जाता है L3 L4 का घुटने में, और आपको कमजोरी मिल सकती है जो पैर है उसमें इन्वर्जन नहीं होता, पैर में कमजोरी मिल सकती है फुट पे। L4 L5 यदि है उसका रूट कंप्रेस हो रहा है तो टोज में आपको प्रॉब्लम होती है, आपके अंगूठे जो है वो उसमें मूवमेंट ठीक से नहीं होता, और L5S1 में है तो प्लांटर फ्लेक्शन होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपर, तो प्लांटर रीजन जो है वो फ्लेक्स नहीं हो पाता। तो ज्यादातर L5S1 या L1 L2 L3 L3 L4 L4 L5 या L5S1 कहीं भी आपको प्रॉब्लम मिलती है, L5S1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और L2 L3 L4 वाला जो एरिया है वो बहुत कॉमन होता है, इसमें भी प्रॉब्लम मिलती है। तो आपको सुन्नपन मिल सकता है, आपको झुनझुनी मिल सकती है, दर्द मिल सकता है, और जलन भी मिल सकती है, अलग अलग प्रकार की तकलीफें। अच्छा, इनके साथ में ये होता क्यों है? तो ज्यादातर केसेस में होने का कारण है इंजरी या चोट, आपने कोई भारी सामान उठाया, आपको चोट लगी, ट्रॉमा हुआ, और ट्रॉमा की वजह से आपको डिस्क दब गई, और डिस्क दबने की वजह से पेन हुआ, या डिस्क में डैमेज भी हो सकता है। अब मैंने ये बताया था कि ये कुछ बीमारियों की वजह से होने वाला लक्षण भी हो सकता है, ये केवल एक बीमारी नहीं है, या सियाटिका खुद एक बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारियों का लक्षण है। तो दूसरी बीमारियां क्या हो सकती है? तो आपको स्पाइन में ट्यूमर मिल सकता है, मतलब कोई गांठ है या कोई ट्यूमर बना हुआ है आपके स्पाइन में, तो भी आपको सियाटिक पेन महसूस हो सकता है। मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर की कंडीशन है तब भी आपको सियाटिका का पेन महसूस हो सकता है, या फिर आपका जो स्पाइन है उसमें टीबी हो गई हो, या पेल्विस में आपके जो कूल्हे की हड्डियां हैं उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो, टीबी हो, तो भी आपको ये मिल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें भी टीबी हो तो भी आपको ये कंडीशन मिल सकती है। तो इसी वजह से इन्हीं वजहों को स्पेशली देखने के लिए MRI कराया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि आप किसी बड़ी तकलीफ में तो नहीं है और आपको पेन हो रहा है, ये देखने के लिए नहीं कि आपका डिस्क कहां दबा। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में है, एक भ्रांति है कि डॉक्टर्स स्पाइन का MRI करा दिया निकला कुछ नहीं, वो एक भ्रांति जो है उसको आप दिमाग से निकाल लीजिए। डॉक्टर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो बड़ी बीमारियां हैं ये फाइंड आउट अलग से हो जाए, या डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर ली जाए कि यार इस तरह की कोई बड़ी तकलीफ तो नहीं है, नहीं तो आपके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए वो उसको जानने, बाद में समस्या ना हो इसलिए वो उसको जानने के लिए आपका MRI कराते हैं, और वो गलत नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन, ये भ्रांति है, उसको दिमाग से हटा लीजिए। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट आसान है, ट्रीटमेंट की जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे लिख कर दूंगा, जो दवाइयां हैं वो कॉमन दवाइयां, बाकी तो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन जो कॉमन दवाइयां इसके लिए होती है उसके बारे में बता देता हूं। ग्नाफिलियम एक दवा है जिसको 60 पोटेंसी में आपको यूज करना है, 60 में दो दो बूंद सुबह शाम। एक दवा आती है कोलोसिंथ 30, यदि 60 मिल जाए तो और अच्छी बात है।
लेफ्ट साइड में भी सेटिका है तो कोलोसिन 30 हम लोग यूज करते हैं। वैसे साइट मैंने ज्यादा मॉनिटर नहीं करता कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो दो दो बूंद सुबह शाम इसको भी यूज करना है। ज्यादा दर्द है तो 3 बार कोलोसिंथ यूज करना है। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में यूज करना है। यदि आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो आप 1 एम पोटेंसी में यूज करेंगे, दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। मैकफॉस 3x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 2 बार, यदि दर्द ज्यादा है तो 3 बार। कैल्केरिया फ्लोर 3x 4-4 गोली सुबह शाम की डोज में। यदि आपके पेट गड़बड़ होता है या मोशन ठीक नहीं होता और गैस भी बनती है साथ में पेट फूला रहता है तो आप लाइकोपोडियम 200 दो दो बूंद सुबह शाम यूज करेंगे। और लगातार आप चूंकि बहुत सारी दवाइयां खा चुके होते हैं इसलिए लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए नक्सवामी का 200 आपको साथ में लेनी है। कैल्शियम की कमी ना हो इसलिए होम्योकैल टैबलेट 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, जो होम्योपैथी में कैल्शियम की सप्लीमेंट है वो आपको लेना है। जरूरी नहीं आप होम्योकैल ही लें, आप एलोपैथी में भी जो कैल्शियम की टैबलेट आती है वो ले सकते हैं, या कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ ले सकते हैं, या आप विटामिन डी की कैप्सूल एक कैप्सूल जो रोज का डोज है वो ले सकते हैं, या आप वीकली डोज में भी इसे ले सकते हैं। तो जो कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बताया। यदि आपकी डिस्क डैमेज है तो डिस्क डैमेज को रोकने के लिए मैंने एक मेडिसिन हमेशा बताई है, वो है बेलिस्पर। बेलिस्पर का मदर टिंचर मैं यूज करता हूं 10-10 बूंद सुबह शाम की मात्रा में। यदि आप उसे लेते हैं तो लंबे समय तक लीजिएगा, 3 से लेकर 6 महीने तक आपको इसको यूज करना पड़ सकता है और फिर आप देखेंगे कि इन दवाइयों के प्रभाव से आपका सियाटिक पेन ठीक हो जाएगा और आपकी तकलीफें ठीक हो जाएगी, डिस्क डैमेज बढ़िया हो जाएगा, वो ठीक से मेंटेन हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगली बात यह है कि क्या आपको ये समस्याएं इनके साथ साथ और भी कोई समस्या हो रही है, जैसे कि आपको पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म मिल सकता है, मसल्स खिंचाव हो सकती है, मसल में स्पाज्म मिलता है, तो ये भी एक पेन का कारण होता है। पर इसमें इस समय कोई डिस्क नहीं दब रही है, डिस्क दब रही है या नहीं दब रही है ये भी आपको देखना है। दूसरी बात ये नोट करना है कि क्या स्पाइनल कैनाल की स्टेनोसिस मिल रही है, मतलब क्या स्पाइनल कैनाल जो है जहां से आपकी नर्व निकलती है वो भी डैमेज हो रहा है, वहां पे भी कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। यदि ऐसा है तो कैल्केरिया फ्लोर आपके लिए बहुत अच्छी ड्रग साबित होगी। तीसरी बात, आसपास की जो वर्टिब्राज हैं एक दूसरे के ऊपर, जो हड्डियां हैं जिनके बीच में रबर जैसा पैड जिसको मैंने डिस्क बताया, वो यदि एक दूसरे पे रगड़ खा रही है हड्डियां तो इसे उनके ज्वाइंट जो होते हैं उसको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं। इससे इस कंडीशन को बोला जाता है फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी। फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी भी यदि आपको हो रही है तो वो भी इस दवाई से मैनेज हो जाएगी, इन दवाइयों से। और फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी होने का रीजन ही ये होता है कि आपकी हड्डियों में डीजनरेशन की कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो ये सारी तकलीफें अलग अलग तकलीफें हैं लेकिन लक्षण आपको कमर दर्द का आता है। दर्द यदि नीचे की तरफ जाता है तो सियाटिका है, या कूल्हे से लेके आपके थाइज में आता है, आपके कमर से लेके थाइस तक आता है या घुटने तक आता है तो ये सियाटिका है। केवल आपकी कमर में दर्द है ये सियाटिका नहीं है, क्योंकि सियाटिका का नर्व का जो पेन है वो नीचे जाता है। और न जाने अनगिनत इतने वीडियो सियाटिका को लेकर बने हुए हैं और उन लोगों ने भी वीडियो डाले हैं जिन्हें जो केवल व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोस ना पोस्ट करें जो आपने कभी मेडिकल साइंस को जाना नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपने कभी देखा नहीं, आपकी वजह से लोग गलत चीजें कर रहे हैं, गलत तरह के नुस्खे यूज कर रहे हैं। कभी आप बोलते हैं पानी में पैर डाल दीजिए, कभी आप बोलते हैं इस तरह से कुछ कीजिए, कभी आप बोलते हैं कि गर्म पानी यूज करो, कभी आप ठंडे पानी यूज करो, कभी आप ये पैर मोड़ो, कभी वो पैर, इस तरह की गलत उटपटांग वीडियोस मत बनाइए ताकि लोग जो परेशान हैं वो और परेशान हो जाते हैं आपकी वजह से। तो आप यदि मेडिकल, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि मेडिकल साइंस से नहीं रिलेटेड तो आप इस तरह की चीजें ना करें, इस तरह आप दूसरे वीडियोस बनाएं लेकिन मेडिकल साइंस पर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और तकलीफ जिसको होती है सियाटिका की ये वही समझ सकता है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी, समझने मिलेगी। और सियाटिका की सीरीज में आगे यदि कोई भी तकलीफ आती है तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत। दवाइयों की जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिखी हुई है, आप उसे देखिए, आप उसे यूज कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप अपने डॉक्टर को भी दिखाएं, आपके नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें इन दवाओं के बारे में कि हमने इसका लॉजिक क्या बताया है
और एमआरआई जरूर करवा लें, ताकि एमआरआई से आपके कंफर्मेशन हो जाए कि आपको कोई और दूसरी समस्या तो साथ में जनरेट नहीं हुई है। ऐसा है, आपके दिमाग के बहुत सारे ढक्कन खुले होंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता चली होगी कि सियाटिका एक्चुअल में होता क्या है, सियाटिक न्यूराइटिस होता है, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, आप अच्छा लगा, आप वीडियो तक अंत में अंत तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।